वह जिले से है जहां विगत 3-4 माह पूर्व श्रम कल्याण से लेकर बाबा घाट घोंघर तक सड़क चौड़ीकरण के नाम पर 45 घर अतिक्रमण के नाम पर तोड़े गए थे। टूटने के बाद बेघर हुए लोग पन्नी लगाकर झोपड़ी के नीचे रहने को मजबूर हैं। बारिश का मौसम आ गया है जहां बेघर हुए लोग समस्याओं दिनों दिन बढ़ती जा रही। तोड़े गए मकान के बाद रहने के लिए वह अपने जीवन यापन के समुचित व्यवस्था के लिए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल से मुआवजे की मांग की गई थी, लेकिन मुआवजे की राशि 4-5 महीने भी में नहीं मिली, जिसको लेकर घूंघर के निवासरत वार्ड 34 और 35 के रहवासी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिससे मांग की गई है कि बारिश को देखते हुए उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, जिससे उनका जीवन यापन चल सके। आप भी सुनिए रहवासियों ने क्या कुछ मांगे रखी हैं। दादा इसे किनारे है पीछे। यहाँ ज्ञापन देने आए हैं क्या जो वहाँ अतिक्रमण हटाया गया था या फिर रोड चौड़ीकरण के नाम पर घर गिराया गया, तो क्या स्थिति है अभी और क्या मांग लेकर? हम लोग तो बहुत परेशान है, बताइए। पूरा घर गिरा है, नाला पूरा टूटा हुआ है, आने जाने का रास्ता बंद है। बारिश के समय कितनी परेशानी हो रही है, कोई मुआवजा नहीं। मंत्री जी के पास हम लोग सब कोई गए भी थे तो वो बोले थे कि 20,000 की मांग करेंगे, तो वो 20,000 बोले थे डालने को, वो आज सोच लीजिए 4-5 महीना हो गया कुछ भी नहीं डाले, ना किसी की मदद कर रहे हैं। अभी कैसे रह रहे हैं आप लोग? हम लोग पन्नी डाल के रह रहे हैं, पन्नी डाल के रह रहे हैं, परेशानी तो उठा रहे हैं। ये तो उन्होंने जो बोला था कि आप प्रशासनिक अधिकारियों ने दिया आप लोगों को, नहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी हम लोग को नहीं मिला है, कुछ भी कहीं से कोई मदद नहीं, कोई सहायता नहीं, कोई आके देखा तक नहीं। तो क्या दोबारा मंत्री जी के पास गई थी आप लोग? दोबारा गए ही नहीं, एक ही बार गए थे तो मंत्री जी वही बोले कि हम लोग कर देंगे मदद अपने तरफ से। 20,000 ये बताइए 20,000 में होता क्या है आजकल? 20 आप पूरा 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 कमरा गिराए हो, आप कहाँ से कमरा बनाने की पूरी व्यवस्था बना दे, चाहे शासन प्रशासन बना दे। आप सही बात ये बोले जी, कम से कम ज्ञापन देने का मतलब ये था कि हम लोग जो मकान शासन प्रशासन ने अभी 4 महीना पूर्व तोड़ा है, उसकी राशि या उसका जो मुआवजा है अभी तक दिया नहीं गया। सारे लोग जितने लोग ये आए हैं सारे लोग पन्नी में रह रहे हैं, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आपसे इतना बताना चाहूँगा कि पहले के समय में राजा महाराजा के समय में अपनी प्रजा का बहुत ध्यान दिया जाया करता था, लेकिन इस समय की जनता जो वोट के माध्यम से जो राजा बनाती है, उस समय माननीय राजेंद्र शुक्ला जी इस समय रीवा से लेकर मध्य प्रदेश तक वो राजा महाराजा हैं, और राजा महाराजा जब आप हैं तो प्रजा को बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। वो पन्नी में रह रही है, हमारे मंत्री जी राजा हैं इस समय के, जनता लोकतंत्र के वो राजा हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी ये जनता जो आई है, गरीब मोहताज है, पन्नी में रह रहे हैं, देख लें पन्नी में रह रहे हैं, पानी बरसात में पन्नी में रह रहे हैं। मेरा निवेदन है कि मंत्री जी प्रशासन द्वारा इनकी सहायता राशि की जाए, इनको मुआवजा दिया जाए, इनको रिलीफ दिया जाए। 4 महीने से 1 रुपये भी इन लोगों को नहीं मिला है। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का
अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।